अस्सलाम दोस्तों, Redmi Note 12 S मोबाइल FRP बाईपास विदाउट PC, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। पाकिस्तान नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आई हैव रीड नेक्स्ट करेंगे। विदेशी ये नेक्स्ट करेंगे। स्किप अगेन, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। या वाईफाई के साथ या नेट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। या गेटिंग फोन रेडी, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे यहाँ, ठीक है। इस पर अपना FRP आएगा। अक्सर बहुत से मोबाइल पर FRP नहीं भी होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस पे FRP अगर मौजूद है तो इसको ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, वीडियो गौर से देखें। तो दोस्तों ये देखिए, दिस इज़ यूज़ अनदर नेटवर्क। स्किप करेंगे, ठीक है। स्किप करेंगे, वेट करेंगे जस्ट ए फ्यू मिनट, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे, डोंट काफ़ी करेंगे, ठीक है। वेट करेंगे, तो देखिए बगैर जीमेल हो गया है। स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्सेप्ट करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्किप करेंगे, तो ये सब इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। वीडियो को गौर से देखना, ठीक है। ये खुद ब खुद हो सकता है, इस पर FRP नहीं है, तो इस मोबाइल पर FRP नहीं आता। मैंने रिसेट भी किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन इस पर FRP नहीं है। तो ये मोबाइल आपने अगर रिसेट करना है तो बग़ैर FRP खोल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये बग़ैर FRP की ही खुलता है। ये Gmail पे भी नहीं जाता, और जो है ये पासवर्ड भी नहीं कर रहा। देखे ये हो गया ऑन। तो इस तरीके से आप Note 12 S मोबाइल पर विदाउट Gmail FRP कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब।